नमस्कार, मैं हूं आनंद और ये है ताल मैजिक चैनल। अगर आप हमेशा से जानना चाह रहे थे कि तबले और संगीत के एरिया में कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल के बारे में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं आनंद हूं और ताल मैजिक चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे आगे तबला नहीं है, तो एक्चुअली आज का टॉपिक ऐसा है जिसमें तबले के सामने बैठकर कुछ डेमोंस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तबले से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उनमें कैसे अपीयर किया जाए। आप अगर पहली बार यहां आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे यूट्यूब इस वीडियो को आप ही की तरह संगीत प्रेमियों तक पहुंचा पाएगा और मेरी बात और उन तक पहुंच सकेगी। पिछली वीडियो की तरह आज का वीडियो भी एक यूज़र कमेंट की ही देन है और मैं श्री त्रिनाद कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सवाल के कारण मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे गंधर्व महाविद्यालय महाराष्ट्र, इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल। ये एक और गंधर्व महाविद्यालय है जो दिल्ली में है, उसके साथ आप कंफ्यूज मत होइए। ये महाराष्ट्र वाले गंधर्व महाविद्यालय की हम बात करेंगे और उसके एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे रजिस्टर करना है और उसका क्या प्रोसीजर है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो ऐसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। कुछ पॉपुलर नाम हैं जैसे कि गंधर्व महाविद्यालय तो है ही, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, KM कॉन्जर्वेटरी जो AR रहमान साहब का कॉलेज है वो चेन्नई में है, शंकर महादेवन एकेडमी, ऐसी कई अलग अलग एकेडमीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। और इन सभी संस्थाओं की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जो आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड डिटेल्स की जानकारी भी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, आज का वीडियो अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल महाराष्ट्र के बारे में है। तो यहाँ जिसको ABGMVM के नाम से भी जाना जाता है, या हम इस वीडियो में उसे गंधर्व महाविद्यालय कहेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वोकल यानी गायन, हारमोनियम, फ्लूट, वायलिन, सितार, तबला, कथक और भरतनाट्यम में इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। और सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स के नाम जो हैं वो सेम हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स के नाम कॉमन हैं। तो वो लेवल इस तरीके से हैं, सबसे पहले है प्रारंभिक जो स्टार्टिंग लेवल है, उसके बाद प्रवेशिका प्रथम, फिर प्रवेशिका पूर्ण जिसको 10th स्टैंडर्ड के बराबर माना जा सकता है, फिर मध्यमा प्रथम और मध्यमा पूर्ण, मध्यमा पूर्ण को 12th स्टैंडर्ड के बराबर माना जा सकता है, उसके बाद विशारद प्रथम और विशारद पूर्ण, विशारद पूर्ण को BA इन म्यूज़िक के बराबर माना जाता है, और फिर आता है अलंकार प्रथम और अलंकार पूर्ण, जहां अलंकार पूर्ण को MA इन म्यूज़िक या पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, और लास्ट में संगीत आचार्य जिसको डॉक्टोरल स्टडीज़ या PhD के इक्विवेलेंट समझा जाता है। आई होप ये लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से इसे दोबारा देख लेते हैं। प्रारंभिक, प्रवेशिका प्रथम, फिर प्रवेशिका पूर्ण, फिर मध्यमा प्रथम और मध्यमा पूर्ण, उसके बाद विशारद प्रथम और विशारद पूर्ण, और फिर आता है अलंकार प्रथम और अलंकार पूर्ण, और लास्ट में संगीत आचार्य। एग्जाम के बारे में जानकारी आपको मंडल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि मंडल की वेबसाइट पर कैसे जाना है।
तो आइए अब जानते हैं कि ये एग्जाम होते कैसे हैं। इन एग्जाम्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी या तो रिटन हो सकती है या मौखिक या ओरल भी होती है। अब प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम, ये जो दो लेवल हैं, इनमें रिटन एग्जाम नहीं होता। तो इसकी जो थ्योरी पोर्शन है इसके सिलेबस की, उसको भी ओरली लिया जाता है और उसी दिन लिया जाता है जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम यानी बजा के दिखाने वाला जो एग्जाम है उस दिन इसका होता है। प्रवेशिका पूर्ण से रिटन एग्जाम शुरू हो जाता है जिसकी अलग एक डेट दी जाती है। प्रवेशिका पूर्ण का रिटन एग्जाम नॉर्मली 2 घंटे का होता है। मध्यमा के लेवल से 3 घंटे की थ्योरी का एग्जाम शुरू हो जाता है। विशारद और उसके ऊपर के लेवल्स में 3-3 घंटे के 2 एग्जाम्स होते हैं, एक सुबह 9 से 12 और एक दोपहर 2 से 5। तो आइए अब देखें कि इन एग्जाम्स में रजिस्टर कैसे किया जाए, कैसे अपने आप को एनरोल करें ताकि इस एग्जाम में हम अपीयर कर सकें। एक एग्जाम की अलग वेबसाइट है abgmvm-exam.org, ये नीचे URL आ गया है, इसको आप अपने वेब ब्राउजर पे टाइप कीजिए और उस वेबसाइट पे चले जाइए और मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वो वेबसाइट कैसी दिखती है। उसमें आप अपने ईमेल आईडी और अपने फ़ोन नंबर इत्यादि को अपलोड कीजिए और एक यूज़र आईडी क्रिएट कीजिए। वहाँ यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद आप अपने जो एग्ज़ाम में आपको अपीयर करना है उस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कीजिए और उस एग्ज़ाम की जितनी फ़ीस है वो फ़ीस आप जमा कराइए ऑनलाइन। आजकल सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट्स का चलन है, तो ये भी वेबसाइट इसमें कोई अलग नहीं है, यहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। और वो पेमेंट ख़त्म होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा और वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद आपका एक जो फॉर्म जनरेट हुआ है आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, उसमें एक रजिस्टर्ड टीचर का स्टैम्प लगवाना है। रजिस्टर्ड टीचर यानी वो गुरु जो मंडल के साथ रजिस्टर्ड है, हर टीचर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर और सील दिया गया है, वो सील लगवा कर आपको वापस उस फॉर्म को अपलोड करना है और तब आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों के बाद आपको हॉल टिकट इशू किया जाएगा जिसमें आपके सेंटर की लोकेशन और एग्ज़ाम का डेट, ये सारी बातें आपको तभी पता चल जाएंगी। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो आगे क्या किया जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने गुरु से मन लगाकर सीखें, तालीम लें और जो जो उस एग्ज़ाम के जो पोर्शंस हैं या सिलेबस हैं उसके ऊपर ध्यान रखें कि वो उसके सारे टॉपिक्स आपने सीख लिए हैं और आपको ठीक से समझ में आ गए हैं और बजाना आ गया है। और यदि आपको पता नहीं है कि उस एग्ज़ाम के टॉपिक्स कौन से हैं तो मंडल की वेबसाइट पे एक पब्लिकेशंस नाम से एक लिंक है जहाँ पे बुक्स की लिस्ट है, उनमें से एक किताब है पोर्शन बुक। पोर्शन बुक का मतलब है उसमें कोई कॉन्टेंट नहीं है, सिर्फ हर एग्ज़ाम का नाम है और उस एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो उसका लिस्ट है, सिलेबस की लिस्ट है। और 100 रुपये की किताब है, उसको आप मनी ऑर्डर से ऑर्डर कीजिए, वो आपके घर पहुंच जाएगा। उससे आपको पता रहेगा कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको क्या टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने हैं। ये करने के बाद आप मंडल में फ़ोन कीजिए और वहाँ से आपको डेट्स का पता चल जाएगा किस दिन आपकी थ्योरी का एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल की डेट्स नॉर्मली आपको लोकल लेवल पे पता चलता है, तो वो उसकी जानकारी आपको आपके गुरु ही आपको देंगे। एग्ज़ाम में अपीयर कीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए और खूब मेहनत से रियाज कीजिए और जब आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल हो जाएं, उसके 3 से 5 हफ्ते के अंदर आप अपने
अपने एग्जाम के रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत छोटा वीडियो था कंपेयर टू जो पीछे कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताल मैजिक एक संस्था है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने में लगी हुई है, और इस काम में आप यदि हमारी किसी तरीके से मदद करना चाहें तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे लिखिए, और अगर आप इसमें कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमारे बड़े काम आएगा और संगीत को आगे बढ़ाने में मेरी बहुत मदद करेगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये आपके काम आया तो मुझे वो भी बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दे सकूं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं। मैं हूं आनंद, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।